बजाज नगर पुलिस थाना अंतर्गत मारपीट कर जबरन चोरी करने का मामला सामने आया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शुभांगी देशमुख ने अधिक जानकारी साझा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजनी निवासी फिरियादी आशीष शिवरकर ये अजनी से पैदल सीताबर्डी की ओर जा रहे थे, जिस दौरान अजनी बस स्टॉप के पास एक दोपहिया गाड़ी सवार कुछ लोग आए और फिरियादी को गाड़ी पर बैठने को कहा। जब फिरियादी द्वारा मना किया गया, तब आरोपियों ने फिरियादी से वाद विवाद करना शुरू कर दिया। उन्होंने फिरियादी से 2000 रुपए की मांग की और जब फिरियादी ने मना किया, तब आरोपी ने फिरियादी के साथ मारपीट की और उनके जेब से जबरन पैसे चोरी कर भाग गए। अजनी में रहने वाले फिरियादी श्री आशीष शिवरकर ये अजनी से निकल के पैदल सीतामढ़ी की तरफ जा रहे थे और वो रास्ते में अजनी बस स्टॉप के पास में एक पल्सर गाड़ी क्रमांक है MH31EW7601 पे सवार लोगों ने उनके पास में गाड़ी रोक कर उनको पहले गाड़ी पर बैठने के लिए कहा। फिरियादी ने मनाही करने से गाड़ी से उतरकर फिरियादी को गाली गलौज की, धक्का मुक्की की और 2000 रुपये देने को कहा। फिरियादी ने जब पैसे के लिए नहीं बोला तो फिर से फिरियादी को हाथों भुक्के से मारहाण करके फिरियादी के पैंट के जेब में पन्नी में रखे हुए जो फिरियादी के पैसे थे वो जबरन छीन कर चले गए। और इस सिलसिले में ये घटना 12 जून की है। इस सिलसिले में कल फिरियादी ने पुलिस थाना में आकर तकरार दर्ज कराई है और उस सिलसिले में कलम 392 के अनुरूप गुना दाखिल किया गया है। इस मामले में फिरियादी की शिकायत पर पुलिस द्वारा फिरियाद दर्ज की गई है और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर आरोपी अंकित राजपूत और समीर उइके को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।